AIMIM की तरफ से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री और मुंबई के मुख्यमंत्री को एक नोटिस भेजा गया, एक जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किमला की रिहाई की अपील की गई है। प्रति महोदय राष्ट्रपति साहब भारत सरकार दिल्ली मार्फत उप विभाग की अधिकारी साहब पुशत जिला यवतमाल आवेदक AIMIM यूनिट पुशत तथा पूरा मुस्लिम समाज विषय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने हेतु महोदय उपरांत विषय के तहत आपसे अनुरोध करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को गुजरात और मुंबई ATS की टीम ने कल 4 फरवरी 2024 को बेवजह गिरफ्तार किया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने विशेष समुदाय की भावनाएं आहत की हैं, परंतु उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शेर पड़ा था उसमें उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है। मुफ्ती अजहरी साहब जूनागढ़ की तकरीर में किसी एक समुदाय को किसी धर्म के मानने वालों के खिलाफ कोई बात नहीं की है कही है। उन्हें बेवजह महाराष्ट्र और गुजरात ATS टीम झूठे केस में फंसा रही है। गुजरात ATS द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बिना वारंट दिए गिरफ्तार किया, जिसमें गुजरात ATS के आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के नियम 41 का उल्लंघन किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस विषय पर गौर करते हुए कार्रवाई की जाए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का शुक्रवार तक रिहा किया जाए, अन्यथा पुशत मुस्लिम समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन